सभी का पुनः स्वागत है। तो आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आगे पढ़ेंगे समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले पर्सनल वेरिएबल्स के बारे में। ऐसे वेरिएबल्स जो कि समस्या समाधानकर्ता से संबंधित होते हैं और जो समस्या समाधान को गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। तो ऐसा पहला कारक है मोटिवेशनल लेवल या अभिप्रेरणा का स्तर। अगर समस्या की परिस्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति उस समस्या से बाहर निकलने के लिए अभिप्रेरित ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में समस्या का समाधान कदापि संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थॉर्नडाइक की बिल्ली की बात करें या पैवलोव के कुत्ते के बारे में सोचें या फिर कोहलर के चिंपैंजी के बारे में भी सोचें तो हम पाएंगे कि तीनों ही जगह पर तीनों जीवों में भूख अभिप्रेरणा को उत्पन्न किया गया था, क्योंकि अभिप्रेरणा के बिना सीखना संभव बिल्कुल भी नहीं है। समस्या समाधान पर भी यह एजम्पशन एज इट इज लागू होती है। अगर समस्या का समाधान करना है तो समाधानकर्ता के लिए मोटिवेशन का होना बेहद जरूरी है। सेकेंड वेरिएबल इज लेवल ऑफ एंग्जाइटी। समस्या की परिस्थिति में फंसे हुए व्यक्ति में चिंता का स्तर कितना है। उपयुक्त समस्या समाधान की स्थिति वह होती है जहां समाधानकर्ता में चिंता का स्तर आदर्श स्तर पर हो। एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ एंग्जाइटी इज बेस्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर इस ऑप्टिमल लेवल से एंग्जाइटी का लेवल कम है तो ऐसी स्थिति क्लियर कट स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति उस समस्या को बहुत ज्यादा तवज्जो ही नहीं दे रहा है। लेकिन अगर लेवल ऑफ एंग्जाइटी इस ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा है तो फिर वो समस्या समाधान में बाधक की भूमिका अदा करेगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस ही क्रिएट करेगी। इसलिए समस्या समाधान के लिए बहुत जरूरी है कि चिंता का स्तर आदर्श स्तर पर ही हो। तीसरा वेरिएबल है स्पैन ऑफ अटेंशन, अवधान का क्षमता। तो हम सभी में अवधान की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। कुछ व्यक्तियों का अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा होता है जबकि कुछ व्यक्तियों का अटेंशन स्पैन बहुत ही कम होता है। डेफिनेटली जिन व्यक्तियों का अटेंशन स्पैन अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति समस्या के विभिन्न पहलुओं पर एक साथ ध्यान दे पाते हैं और इसी वजह से महत्वपूर्ण और महत्वहीन पहलुओं के बीच अंतर कर पाने में सक्षम हो जाते हैं और समस्या का समाधान फटाफट निकाल लेते हैं। दूसरी ओर जिन व्यक्तियों का अटेंशन स्पैन अच्छा नहीं होता है या कम होता है ऐसे व्यक्ति साइमल्टेनियसली बहुत सारे आयामों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से इनको समस्या समाधान में समय भी अधिक लगता है और कठिनाई भी अधिक आती है। समस्या समाधान को प्रभावित करने वाला अगला कारक है ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रक्रिया। जब मैंने आपको स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस पढ़ाया था तो वहां दूसरे स्टेप में जब हमें समस्या के सभी पॉसिबल सॉल्यूशंस को जनरेट करना होता है वहां ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ लोग प्रॉब्लम के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं, समस्या को मिलते ही फटाफट काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ लोग समस्या को पहले समझते हैं, फिर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उस समस्या के विभिन्न आयामों के बारे में डिफरेंट तरीके से सोचते हैं और बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को जनरेट करते हैं और फिर समस्या के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रक्रिया है यह समस्या समाधान में बहुत ही अधिक कारगर सिद्ध होती है। इसके बाद अगला कारक है इनक्यूबेशन की अवस्था या उद्भवन अवस्था। इनक्यूबेशन की अवस्था क्रिएटिव थिंकिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। कई बार व्यक्ति के सामने ऐसी समस्या आ जाती है जब वो बहुत थक हार करके प्रयत्न करता है, बहुत कोशिशें करता है लेकिन फिर भी समस्या के समाधान में सफल नहीं हो पाता और फाइनली घुटने टेक देता है, थक हार करके बैठ जाता है। यहाँ पर भले ही फिजिकली वो प्रॉब्लम पर काम करना बंद कर देता है लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली वो समस्या को मैनिपुलेट कर रहा होता है। इसी अवस्था को इनक्यूबेशन की अवस्था कहा जाता है और यही मेंटल मैनिपुलेशन के दौरान ही अचानक से उसे समस्या का समाधान दिखलाई पड़ जाता है, जिसे आहा एक्सपीरियंस कहा जाता है।
तो यह इनक्यूबेशन की अवस्था भी समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद अगला कारक जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है वो है मेंटल सेट या मानसिक वृत्ति, जो कि समस्या समाधान में दोनों तरीके के रोल अदा करती है। कभी इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर बार समस्या समाधान में इसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही होते देखा गया है। तो ये मेंटल सेट की समस्या क्या है? कई बार क्या होता है कि जब हम किसी एक सर्टेन फॉर्मूले से या सर्टेन मेथड से कुछ समस्याओं को सॉल्व कर चुके होते हैं, तो आगामी समस्याओं के समाधान में भी हम उन्हीं मेथड्स को, उन्हीं तरीकों को, उन्हीं स्ट्रैटेजीज को, उन्हीं फॉर्मूलास को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। भले ही आगामी समस्याओं का स्वरूप पहले की समस्याओं की से आसान ही क्यों ना हो, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमारी प्रीवियस लर्निंग या जो हमारा मेंटल सेट है वो हमारे समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधा पहुंचाता है। लुचेंस 1942 के वाटर जार प्रॉब्लम इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद हमारा लास्ट वेरिएबल है फंक्शनल फिक्सनेस। फंक्शनल फिक्सनेस से मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु के उपयोग के बारे में एक रिजिड थिंकिंग अपने मन में बना लेना कि अमुक वस्तु का उपयोग तो सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए हो सकता है, किसी और तरीके से उसका प्रयोग संभव नहीं है। तो ये फंक्शनल फिक्सनेस जो है ये भी समस्या समाधान में बहुत बड़े बाधक की भूमिका अदा करता है। डंकन ने एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया जिसमें उन्होंने दो ग्रुप्स लिए, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा कंट्रोल ग्रुप। दोनों ग्रुप्स को जो है सामान दिया गया जिसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को 3 कार्डबोर्ड बॉक्सेस के अंदर रखकर मोमबत्तियां, माचिस की तिलियां और तीसरे में छोटी छोटी कील नेल्स दी गई। आपके कंट्रोल ग्रुप को भी सेम मटेरियल प्रोवाइड किया गया, लेकिन उनको यह सामान अलग अलग दिया गया, कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रख के नहीं दिया गया, बल्कि कार्डबोर्ड बॉक्स अलग दिए गए और कीले, मोमबत्तियां और मैचस्टिक्स अलग दी गई। अब दोनों ही ग्रुप्स के सामने ये समस्या थी कि उन्हें जलती हुई मोमबत्ती को दीवार पर वर्टिकल पोजीशन में खड़ा करना था, और इसका समाधान बहुत ही आसान था कि सबसे पहले मोमबत्ती को जला लिया जाए, इसके बाद मोमबत्ती का थोड़ा मोम पिघला के कार्डबोर्ड बॉक्स पर डाला जाए, उस पर मोमबत्ती को खड़ा कर दिया जाए और फिर 2 किलों के ऊपर उस कार्डबोर्ड बॉक्स को रख करके दोनों कीलों को दीवार में लगा दिया जाए। इस अध्ययन के परिणाम बड़े ही रोचक थे। परिणामों में देखा गया कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ये समस्या सॉल्व करने में बहुत ही कठिनाई अनुभव हुई और कई पार्टिसिपेंट्स तो इस समस्या को सॉल्व ही नहीं कर पाए, जबकि कंट्रोल ग्रुप में इस तरीके की कोई भी समस्या नहीं देखी गई, उन्होंने बड़ी आसानी से इस समस्या का समाधान कर लिया। इसका कारण यह था कि कंट्रोल ग्रुप को जिस तरीके से मटेरियल प्रोवाइड किया गया था, उन्होंने किसी भी कार्डबोर्ड बॉक्स के बारे में ऐसा नहीं सोचा कि इसका यूज एक ही तरीके से संभव है, इसे किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जहां कार्डबोर्ड बॉक्सेस को एज अ कंटेनर, एज अ बॉक्स के रूप में दिया गया था कुछ सामान रखने के लिए, वो इस फंक्शनल फिक्सनेस में अटक करके उस कार्डबोर्ड बॉक्स के अन्य उपयोग के बारे में सोच ही नहीं पाए और जिसकी वजह से समस्या का समाधान संभव नहीं हो पाया। तो आज हमने पढ़ा ऐसे पर्सनल वेरिएबल्स जो कि समस्या समाधान को प्रभावित करते हैं।